हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आप सब भी ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पर मैं अभी आज फिर से आपके साथ सुबह मॉर्निंग का रूटीन शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने अपनी बेटी को नाश्ता वास्ता सब बना कर दे दिया है और उसे कर दिया है मैंने स्कूल के लिए रेडी। और यहाँ पर देखिए सुबह के बजे हैं 7:45 और अभी तक नहीं निकला है सूरज। देखिए किस तरह से कोहरा आ रहा है, देखिए इधर छा रहा है कोहरा और इधर भी। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ पीछे की साइड, मैंने कल शाम में धुले थे कुछ कपड़े जो अभी तक मैंने ऐसे ही बाहर छोड़ कर रखे हुए हैं। और चलते हैं पीछे की और पीछे की साइड, वहाँ पर अंदर अभी तक अभी भी अंदर बंदी हुई है हमारी गायें, जिसे अभी हमने बाहर नहीं निकाला है क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रही है सर्दी। और यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरह से पड़ी हुई है, पत्तों पर भी ओस। कल क्या है बेटा? कल क्या है बाबू? कल मेरे बर्थडे है, आप भी आ जाना। आप सब भी आ जाओ, कल मेरा बर्थडे है। और मान तो कुछ आना साथ में और चल चल कुपी पाखी जीजी को बल्ले आया भी होगी। बोलो क्या बोलोगे? एक पाखी को, पाखी जीजी को चंचल, एक चंचल, एक टुनगुमा, एक प्रिया मम्मी। अच्छा नु कल आ जाना मेरे बर्थडे में, आप सब भी आ जाओ नु मेरे बर्थडे में। बोलो एप्पल की फल सुनाओ। पहले ये बोलो आप सब आ जाओ मेरे बर्थडे में, आप सब आ जाओ मेरे बर्थडे में। अब सुनाओ। अभी देखिए अब आ गई है मेरी बेटी की गाड़ी और वो जा रही है स्कूल के लिए और मुझे कर रही है भाई। और बाहर खड़ी हुई है उसकी स्कूल की गाड़ी, अभी मैं उसे भेज देती हूँ। उसके बाद मैं आ गई हूँ अंदर। यहाँ पर हमने आज सुबह से ही बहुत ज़्यादा हो रही है सर्दी, यहाँ पर जलाई है हमने आग और हम दोनों लोग सेक लेते हैं यहाँ पर। और हल्की हल्की सी धूप भी निकल आई है, हम सब यहाँ पर सेक रहे थे। हमने कुछ पत्ते पीछे पड़ी हुई खाली जगह में कुछ पत्तों को इकट्ठा कर आग जला ली थी। उसके सेकने के बाद मैं आ गई हूँ अंदर रूम में। यहाँ पर मैंने जो कल शाम में कुछ कपड़े धुले थे वो रह गए थे, अभी बना लेती हूँ मैं उनकी तय। और जो कुछ कपड़े प्रेस के लिए हैं मैं उन्हें निकाल कर अलग रख दूँगी, मैं उन पर करूँगी फिर शाम में प्रेस। उसके बाद मैं लगा लेती हूँ झाड़ू, क्योंकि मेरी अभी तक झाड़ू भी नहीं लगी थी। मेरी बेटी के जाने के बाद अपने बेटे को भी देखना होता है, उसके बाद फिर मैंने अपना सारा वैसा काम इधर। बरामदे में झाड़ू लगाने के बाद मैं लगा दूंगी यहाँ पर गैलरी में भी झाड़ू अभी भी रखे हुए हैं कुछ मशीन पर कपड़े, जिन्हें मुझे अभी आज फिर से धुलना है। और अभी यहाँ पर गैलरी में हो रहे थे पत्ते और कूड़ा करकट वगैरह, जिसको सभी को मैं इकट्ठा कर लेती हूँ और उसे भरकर डाल दूंगी मैं कुड़ी पर। यहाँ पर लग गई थी मेरी झाड़ू। उसके बाद मैं गई हूँ कन्या पाठशाला, गाँव में ही है, यहाँ पर गई थी मैं अपने बेटे कायरव को लेकर, क्योंकि आज लगवाने थे मुझे उसके टीके। अभी देखिए दीदी ये तो बहुत रोगा है, बच्चे तो रो नहीं है, कभी कायरव बेटा को लेके आने के बाद मैंने नहाना उना सब कर लिया था और कुछ धुल दिए थे मैंने कपड़े जो आप लोग पीछे पड़े हुए देख सकते हैं। और हल्की हल्की सी धूप भी निकल आई है और अभी बजे हैं सुबह के 9:45। और अभी मैं अपनी गाय को पिला रही थी पानी, उसे पानी पिलाने के बाद मैं उसे खोर पर बांध दूंगी और मुझे करना है उसे घास। उसे बांधने के बाद में यहाँ पर भी देखे पड़े हुए हैं कपड़े मैंने सुबह सुबह में धुल दिए थे, जो अभी मशीन पर पड़ा हुआ है उसके लिए चारा, इसे मैं भर लेती हूँ। हमारे यहाँ खेत से जो गन्ने छुलकर आते हैं उनमें से निकलते हैं ये गोले, जिनको हम मशीन पर काट कर गाय को डालते हैं। अभी मैं उसके लिए भर रही हूँ चारा और उसकी खोर में मैं ये चारा डाल देती हूँ और साथ के साथ मैं उसमें थोड़ा सा भूस भी मिला लूँगी, वो निखालिस चारा कम खाना पसंद करती है।
गैया को चारा डालने के बाद अभी मैं चली जाती हूँ इधर भूस के कोठे में। मैं यहाँ गई हूँ भूस के कोठे में, यहाँ पर भी लगा कर रखा है हमने उसके लिए भूस। कभी कभार हम उसे भूस की बिसानी कर देते हैं। अभी मैं उसके चारे में डाल देती हूँ भूस और उसे अच्छे से हाथों से मिला देती हूँ। दोनों चीज़ों को एक जगह मिला दूंगी और उसके बाद मैं उसमें कर दूंगी सानी। अभी मैं चलती हूँ उसके लिए थोड़ा चोकर ले आती हूँ। अभी मैं आ गई हूँ स्टोर रूम में, यहाँ पर मैंने कट्टे में रखा है उसके लिए दाना, जिसकी मैं अभी उसे कर दूंगी सानी। 3 से 4 लप्पों मैंने बाल्टी में डाल लिया है और मैं इसे हाथों से घोल दूंगी। इसे घोलने के बाद अभी मैं कर दूंगी अपनी गैया को सानी। अभी मैं चलती हूँ अपनी गैया को सानी करने के लिए, क्योंकि वो सुबह में बाहर से ही घास खाती है और शाम में हम उसे अंदर की साइड बांध देते हैं। आज थोड़ा ठंड का मौसम बना हुआ है, अभी पहले मैं उसे अच्छे से घास कर रही हूँ। देखिए किस तरह से मेरे साथ साथ वह घास खाने लगी है। अभी मैं इसे अच्छे से मिला देती हूँ। उसे मिलाने के बाद मैं अंदर की, यहाँ से वो बार बार मुँह लगा रही है, मैं अंदर की साइड से जाकर उसे अच्छे से घुमा, उसमें अच्छे से हाथ निकाल दूँगी। उसे घास करने के बाद बाल्टी में जो लगा हुआ था दाना, उसे भी मैंने अच्छे से हाथ से निकाल कर उसकी खोर में डाल दिया है। उसके बाद मैं आ गई हूँ नल पर और यहाँ पर धो लेती हूँ मैं अपने हाथ। हाथ धोने के बाद मैंने साथ के साथ बाल्टी को भी कर दूँगी साफ। बाल्टी साफ़ करने के बाद और इधर फैला हुआ था पाइप, उसे भी मैं समेट कर रख देती हूँ। उसके बाद मुझे जाना है अभी, और भी करने हैं मुझे काम जो भी मेरे बाकी पड़े हुए हैं। मेरे पति लाए हैं बाज़ार से कुछ राशन, जो मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। का राशन जो अभी रखा था ख़त्म, ये मंगाया है मैंने सरफ बहिर का, और ये मंगाई है मैंने गोल्ड की चाय की पत्ती, ये भी हो रही थी ख़त्म। और ये मंगाया है मैंने कश्मीरी मिर्च रंग वाली, और ये मंगाया मैंने कुछ चाय उन्होंने गुजर मिश्री और सौंफ, मैं नाम भूल गई थी इसका। और ये मंगाया है मैंने थोड़ा सा रिफाइंड, मुझे बनानी है पूरी। और कुछ मंगाए मैंने शैम्पू के पाउच, और ये है कड़ी पत्ता, और ये सूजी। कुछ राशन घर का ख़त्म हो रखा था जो मैंने मंगाया है, और पीछे ये मंगाई है मैंने 5 किलो चीनी। क्या कह रहे जी, क्या कह रहे? नमस्ते जी। आ लिए बर्थडे कट को? कल है मेरे बाबू का बर्थडे। तेरा पापा नहीं आया? यहाँ पर मेरी बेटी भी आ चुकी थी स्कूल से, और अब मैं उसे दे देती हूँ खाना पीना। उसे खाना पीना देने के बाद मैंने सोचा कि इस ब्लॉग का कर देते हैं एंड, और आप लोगों से कर लेते हैं कुछ बातें। मैं इस ब्लॉग का एंड कर रही हूँ और आपसे कुछ बताना चाहती हूँ। कल है मेरे बेटी का बर्थडे, आप लोग भी आ सकते हैं मेरे बेटी के बर्थडे में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करें। एक लाइक मेरी बेटी के लिए दे दीजिए प्लीज।